वेलकम बैक टू माई चैनल। माय नेम इज़ अकांक्षा स्वामी। आप सबका मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो एप्पल साइडर विनेगर के ऊपर है। मैं जो एप्पल साइडर विनेगर ले रही हूँ वो पतंजलि का ले रही हूँ और ये काफ़ी अच्छा एप्पल साइडर विनेगर है और मुझे बहुत टेस्टी लगता है और अच्छा लगता है। और मैंने जो एप्पल साइडर एक दो पिए हैं वो उनके टेस्ट इतने अच्छे नहीं होते, इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा है और ये रीज़नेबल भी है। सो वीडियो को शुरू करते हैं और मैं वीडियो के अंदर चल के बताती हूँ। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अब हम आपके साथ एप्पल साइडर विनेगर के जो बेनिफिट्स हैं वो बताना स्टार्ट करेंगे, मैजिकल बेनिफिट। सबसे पहले जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो पतंजलि का ये वाला एप्पल साइडर विनेगर है, आप देख सकते हैं। और इसका प्राइस भी बहुत ही रीजनेबल है, 130 का आपको ये 500 ml मिलता है। 130 का आपको ये 500 ml मिलता है और 130 काफ़ी अच्छा है 500 ml में, क्योंकि आपको सिर्फ इसका 1 tablespoon लेना होता है। बट आपके ऊपर इसके ऊपर साथ इसमें कैप मिलती है तो आप इसके कैप का एक मेजर ले सकते हैं। 1 cap आप एक टाइम पे ले सकते हैं। आई थिंक 1 cap इसका 2 tablespoon होता है और काफ़ी सही है इसका कैप और इसकी पैकेजिंग। मुझे इसकी पैकेजिंग बहुत अट्रैक्टिव लगी और इसकी क्वांटिटी भी बहुत अच्छी लगी बाकी एप्पल साइडर विनेगर से। और इसका जो टेस्ट है वो भी काफ़ी अच्छा है और एप्पल साइडर विनेगर से। और ये बेसिकली पतंजलि है तो आयुर्वेदिक है, तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है एप्पल साइडर विनेगर। अगर आपको लग रहा है कि एप्पल साइडर विनेगर बहुत कॉस्टली है या बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनिक चाहिए तो गो फॉर दिस वन, ये काफ़ी अच्छा है। सो एप्पल साइडर विनेगर के जो बेनिफिट हैं वो क्या हैं? एप्पल साइडर विनेगर का एक सबसे बड़ा बेनिफिट है बैली फैट लॉस। तो ये जो बैली फैट लॉस है और बॉडी फैट लॉस है ये आपका एप्पल साइडर विनेगर से हो रहा है और काफ़ी लोगों को बहुत फ़र्क भी दिख रहा है। ऐसी बात नहीं है कि इसके इफ़ेक्ट दिख नहीं रहे हैं, दिखते हैं इसके इफ़ेक्ट और काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। और बहुत लोग आज के टाइम पे डेली यूज़ में एप्पल साइडर विनेगर पी रहे हैं। मैं भी पी रही हूँ और मैं भी फैट लूज के लिए ही पी रही हूँ। तो मैं खुद के उससे बता रही हूँ कि मैं 1 month हो गया है मुझे पीते हुए और मुझे 1 month में इसका इफ़ेक्ट दिखा है, इसलिए मैं आप सबसे बात करना चाह रही थी इसके बारे में कि मैं अपना जो मेरा जो इसका पूरा एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। सो मैंने इसको पीते पीते 4-3 kg लॉस किया है और मैं खाना जो खाती हूँ मैं वही खा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने अपना डाइट प्लान चेंज कर लिया है कुछ नहीं, मैं 3 roti खाती हूँ, दाल खाती हूँ, रात को भी मैं वही खा रही हूँ। ये नहीं है रात को खाना खत्म कर दिया या कम कर दिया, नहीं किया ऐसा कुछ नहीं। हाँ बट ये है कि मैं हेल्दी खाना खा रही हूँ और घर का ही खा रही हूँ, मैंने बाहर का खाना बंद किया है। क्योंकि ये नहीं है कि अगर आप सिर्फ एप्पल साइडर विनेगर पी के आप पतले हो जाएंगे, नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता कि अगर आप सिर्फ सुबह एप्पल साइडर विनेगर और बाहर जाके आप मोमोज खा रहे हैं, चाउमिन खा रहे हैं, नहीं इससे कुछ नहीं होगा। ये एप्पल साइडर विनेगर जादू नहीं है कि आपका बेली फैट सारा रिड्यूस कर देगा आपने इतना जंक खाया है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाँ अगर आप इसे अच्छी तरीके से ले रहे हैं और आप अपना हेल्दी खाना खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, ऑब्वियसली अगर आप घर पे रोटी खा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता रोटी से कोई मोटा होता है। ये फालतू के मिथ हैं कि रोटी से कोई मोटा होता है या घर के खाने से कोई मोटा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप घर का खाना अच्छे से खाएं, जितनी रोटी खाते हैं खाएं, 3 खाएं 2 खाएं 4 खाएं, इट डिपेंड ऑन यू, चावल खाएं दही खाएं, हाँ बट जो आपका मील है वो आप अच्छे से लें। जैसे आप अगर सब्जी ले रहे हैं, रोटी ले रहे हैं, उसके साथ आप सैलेड और दही ले ज़रूर लें, क्योंकि अब तो गर्मी आ गई है, गर्मी में दही ले सकते हैं। ठंड में थोड़ा सोचते हैं कि दही थोड़ा ठंडा होता है इस वजह से, पर आप गर्मियों में खाएं और लस्सी पिएं। सबसे ज़्यादा गर्मियों में आपके पास बहुत सारी पीने की चीज़ें होती हैं, उनमें से एक एप्पल साइडर विनेगर की ड्रिंक है जो मैं आपको इसकी रेसिपी बताऊँगी और ये बहुत यम्मी और टेस्टी है। सो वो मैं आपको आने वीडियो में बताऊंगी, बट अभी मैं एप्पल साइडर विनेगर के बारे में बात करूंगी। ये आपकी बेली फैट और जो फैट है मतलब बॉडी फैट है उस पर तो वर्क करता ही करता है, उसके साथ साथ ये स्किन पे भी वर्क करता है। अब आप बोलेंगे स्किन पे कैसे करता है? स्किन पे ऐसे करता है ये आपके स्किन के नेचुरली पीएच लेवल को मेंटेन करता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन ग्लोइंग रहती है और हेल्दी रहती है। और जो आप पीते हैं उसकी वजह से आपके स्किन में ऑब्वियसली आप इनटेक कर रहे हैं कुछ भी तो ये आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है, उसकी वजह से आपके स्किन पे भी इफ़ेक्ट आता है इसका। तो और ये सिरका है, सिरका मतलब खट्टा, विटामिन सी, इसमें विटामिन सी है और इसमें हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं एप्पल साइडर विनेगर में, तो ये दोनों ही हमारे बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। सो इसको पीने से इसलिए हमारे स्किन का पीएच लेवल भी मेंटेन रहता है। अब आ जाते हैं हम इसके बालों के लिए, ये हमारे बालों के लिए क्यों अच्छा होता है? ये हमारे बालों के लिए भी अच्छा होता है। अब ये बालों के लिए क्यों अच्छा होता है? क्योंकि बालों का जो हमारा हेयर लॉस होता है ये उसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। और सेकेंडली ये हमारे
स्कैल्प के जो हमारे स्कैल्प का जो पीएच लेवल है उसको भी मेंटेन करता है। वो कैसे करता है आप सोचेंगे, तो वो ऐसे करता है जब आप बाल धो रहे हैं, तो आप बाल धोने के बाद आपने कंडीशनिंग की, सब कुछ किया, पूरा वॉश कर लिया आपने, हेयर कंडीशनर सब करके, लास्ट में आपने क्या करना है, कोई भी एप्पल साइडर विनेगर लेना है। आजकल तो मार्केट में जैसे ईद रोशर का हेयर विनेगर आते हैं, उसका क्या करना, उसको सेम तरीके से यूज़ करना है जैसे आप नॉर्मल विनेगर को कर रहे हैं। मैंने ईद रोशर का हेयर विनेगर ले रखा है और वो काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हैं ईद रोशर के उस पर, क्योंकि वो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं तो वो भी काफ़ी अच्छे हैं। बट मैं आपका इसका बताती हूँ इससे आपको कैसे यूज़ करना है, वो थोड़ा एक्सपेंसिव उसमें हो जाता है। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि आप इसको बालों में कैसे यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो आपने पूरा हेयर वॉश किया, हेयर वॉश के बाद कंडीशनर किया, कंडीशनर के बाद आपने कंडीशनर लगा के भी पूरे बाल वॉश कर लिए। पूरे बाल वॉश करने के बाद आपने वाटर लेना है, वाटर में आपने 1 कैप पूरा का पूरा एप्पल साइडर विनेगर डाल दिया है, अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने पूरे स्कैल्प में डालना है। लगाने के बाद आपने ये जो आपके फिंगर्स हैं, फिंगर्स के टिप्स हैं, उनसे आपने मसाज करनी है, और कम से कम आपने 1 से 2 मिनट उनकी मसाज करनी है, और आपने उसके बाद बाल धो लेने हैं, वॉश कर लेने हैं अच्छे से, कि विनेगर रह ना जाए बालों में, आप अच्छे से वॉश कर दें। उससे आपका जो स्कैल्प का पीएच लेवल है वो भी मेंटेन रहेगा, आपको कोई स्कैल्प में प्रॉब्लम है या एलर्जी है वो भी आपकी अच्छे ख़त्म हो जाएगी। जैसे बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है बालों में, स्कैल्प में डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है, वो चीज़ भी नहीं रहेगी, और आपका जो हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो रही है वो भी नहीं रहेगी, वो भी आपका बालों में जैसे हेयर लॉस हो जाता है तो उससे भी आप अपने हेयर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं विनेगर के साथ। और अब आ जाते हैं हम पीने के लिए, जो मैं आपको बता रही थी कि मैं एक समर के लिए बहुत अच्छी और टेस्टी ड्रिंक बना सकती हूँ एप्पल साइडर विनेगर के साथ। तो एप्पल साइडर विनेगर के साथ हम कैसे ड्रिंक बना सकते हैं हम, हमारा ये रेसिपी क्या होगा। सबसे पहले हमने एप्पल साइडर विनेगर लेना है, हम इसे ओपन करते हैं। जैसे मैंने आज सुबह एप्पल साइडर विनेगर लेना भूल गई, क्योंकि आज मेरा ऑफ था ऑब्वियसली, और मैंने एप्पल साइडर विनेगर लेट उठी और मैंने उठते ही खाना खाया, तो इस वजह से मैं नहीं ले पाई। सो सबसे पहले मैं इसके 2 ढक्कन एप्पल साइडर विनेगर लूँगी, बहुत बदतमीज़ों की तरह लूँगी, सॉरी। ये पूरा आप एक ढक्कन ले लें, हाँ। तो मैं इसका 1 ढक्कन लूँगी, मैं 2 बोल गई पर मैं 1 ही ढक्कन लेती हूँ। ये ग्लास ले लें इतने साइज़ का, आपको जो भी लेना है। मैं 1 ढक्कन एप्पल साइडर विनेगर का डालूंगी, बॉटल बंद कर देंगे। अब मैं काला नमक लूंगी और आप ये बॉटल पे ध्यान ना दें, ऑब्वियसली इंडियन मॉम्स। आपने 1 टेबल स्पून ये लेना है और आपने ये डाल देना है काला नमक एप्पल साइडर विनेगर में, और आपने ये मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने ठंडे पानी की बॉटल लेनी है और आपने पानी मिक्स डाल देना है। पानी डालने के बाद आपने मिक्स कर देना है, और ये समर के लिए बहुत टेस्टी और हेल्दी ड्रिंक है। ये आप 2 टाइम ले सकते हैं, एक तो रात को खाना खाने के बाद और सुबह खाली पेट, तो ये आप पिए। एक तो ये बहुत यमी लगेगी, वैसे एकदम ये रिफ्रेश कर देती है। सेकेंडली आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी है, बालों के लिए अच्छी है, और आपका बेली फैट रिड्यूस करती है और आपका बॉडी फैट भी। ये जो ड्रिंक मैंने पूरी बनाई थी ये बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी है, और ये जो ड्रिंक है ये आपके समर के लिए काफ़ी अच्छी है। अगर आपको गर्म पानी में बनाना है तो आप गर्म पानी में भी बना सकते हैं, उसके लिए आपने काला नमक की जगह शहद यूज़ करना है, और ठंडे पानी की जगह ऑब्वियसली गर्म पानी यूज़ करना है, और आपने खाली पेट पीना है सुबह। इससे आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट दिखेगा इसका बेली फैट का, मतलब बेली फैट लॉस का या बॉडी फैट लॉस का, उससे ज़्यादा अच्छे से वो हो रहा है। बट हाँ, उसके साथ साथ आपने ये भी ध्यान में रखना है कि आपने ज़्यादा जंक नहीं खाना है, बाहर का नहीं खाना है, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, अगर आप इसे बहुत ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। बट अगर आप इसे एक जो इसका है कि आपने इसे सिर्फ डे और नाइट 2 टाइम लेना है पूरे दिन में, जो इसमें मेंशन भी है डब्बे पे, बॉक्स पे, सॉरी, जो बॉक्स पे मेंशन भी है कि आप इसमें यहाँ मेंशन है ऐसे कि मिक्स 10 to 20 ml
of apple cider vinegar with water and consume 2 to 3 times after meal at मील इसमें ऐसा लिखा है 2 to 3 times बट मेरी माने तो आप इसे सिर्फ दो ही टाइम लें, एक आपको रात की मील के बाद लेना है और एक आपको सुबह खाना खाने से पहले लेना है, आप खाली पेट ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा होता है ये खाली पेट लेना। और इसको आप अगर आप और अगर आपको एप्पल साइडर विनेगर सूट नहीं होता है तो आप डॉक्टर से पहले राय लें और फिर लें, ये नहीं कि आपने यूट्यूब वीडियो देखी, मेरी ही देखी और आपने लेना स्टार्ट कर दिया कि हम पतले हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको सूट नहीं हुआ और आपको इसको कोई साइड इफेक्ट हो गया तो उससे भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से इसका परमिशन ले लें। ऑब्वियसली ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल और पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और जो जो लोगों को एप्पल साइडर विनेगर सोच रहे हैं कि हम लें और उसको सोच रहे हैं कि ना लें, तो उनके साथ ज़रूर शेयर करें कि उन्हें ये आइडिया हो जाए कि हाँ एप्पल साइडर विनेगर से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और क्या क्या नहीं होती हैं, ऑब्वियसली इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। Thank you, love you. Bye. Take care. Be safe, be healthy.